नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं RR कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम का एक नया लॉन्च किया हुआ एक ऐप में आपको देखने को मिल जाता है, वो क्या है उसके बारे में आज हम आपको जिक्र करेंगे। कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आजकल के डेट में पेटीएम सभी लोग यूज करते हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं क्या है वो। तो बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। तो पेटीएम का नया एक क्या आया है उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेटीएम से ज़्यादातर लोग पैसे को लेन देन आसानी से कर सकते हैं, किसी भी पेटीएम से किसी भी जगह पर पैसा आसान से भेज सकते हैं। तो पेटीएम ने एक नया नया चीज़ लॉन्च किया है, जो कि आपको बैंक ट्रांसफ़र के बारे में आपने सुना ही होगा। बैंक ट्रांसफ़र में कुछ चार्जेस करते थे जो कि आप मैं आपको बताऊंगा। जो लोग ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते थे उनके पेटीएम में एक सुविधा ख़त्म हो गई थी, जो जब भी वो किसी बैंक में पैसा का ट्रांसफ़र करते थे तो कुछ परसेंटेज पेटीएम अपने वैलेट में ले लेता था, जिसकी वजह से वो पेटीएम करना छोड़ दिए थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि पेटीएम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं और वो भी छोड़ दिए थे। तो मैं बताना चाहूँगा वो सभी लोग के लिए कि जो लोग पेटीएम यूज़ करना छोड़ दिए हैं। तो ज़्यादातर अभी तो फ़ोन पे भी आ गया, आपको फ़ोन से भी या फ़ोन पे से भी बहुत पैसा क्विकली अकाउंट के थ्रू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, मगर पेटीएम थोड़ा लोग के नज़र में है जल्दी, क्विकली लोग समझते हैं और भरोसा करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा पेटीएम के बारे में। पेटीएम के आपने अगर पेटीएम इंस्टॉल आपके में होगा तो आप देखिएगा, उसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है जो कि बैंक ट्रांसफ़र के नाम पे है। ऊपर देखिएगा 0% चार्ज लिखा रहता है, वो पहले कॉलम आपको नहीं दिखाई देता था। और अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया तो उसको अपडेट करके देख सकते हैं, तभी आपको पता चल पाएगा, क्योंकि अगर अपडेट नहीं किया तो वो पुराने वर्जन में आपको दिखाई देगा और वो चीज़ आपको शो नहीं होगा। तो उस चीज़ को आपको देखने को मिलता है नया, और बहुत आसानी से पैसों को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में किसी भी जगह पे बिना कोई चार्जेज, बिना किसी चीज़ के। ज़्यादातर होता है इस केस में कि आप नेट बैंकिंग अगर यूज करते हैं, नेट बैंकिंग में अदर बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल कि आपका अकाउंट है SBI का और आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कैनरा या बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब में, तो उसमें कुछ SBI चार्ज काटता है, जो कि जितना पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो कुछ परसेंटेज अपना अकाउंट करके वो चार्ज काट लेता है। तो नेट बैंकिंग जो यूज़ करते हैं उनके लिए एक पेटीएम की बहुत अच्छा सुविधा आ गया है। और UPI अगर यूज करते हैं, UPI का कोड अगर उनके पास ID है तो वो ID से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और नहीं तो आप केवल अकाउंट डाल के और अपना IFSC कोड डाल के बिना कोई कॉस्ट दिए आराम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में किसी भी पर्सन को। तो ये एक अच्छा सुविधा पेटीएम की तरफ से नज़र आ रहा है, जिसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो एक नया लेटेस्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं पेटीएम खोल के, उसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बैंक ट्रांसफ़र का, ऊपर में 0 चार्ज, जो कि आपको अभी नया देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ आप लोग को बता दूँ। तो जो लोग ज़्यादा लेन देन वगैरह करते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैक्सिमम इसमें लिमिट रखी गई है कि आप 1 लाख तक ही पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो मैं कह नहीं सकता चार्ज आपसे लिया जाएगा, लेकिन 1 लाख तक आप किसी भी अकाउंट पे पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट वीडियो में। धन्यवाद।